हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLR.in। सो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूपी स्कॉलरशिप अपडेट 21-22। यहाँ पर आपके जो स्टेटस है वो अपडेट होकर आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और बहुत के नहीं भी आ रहे हैं। बट जिन स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर अपडेट हुए हैं तो पहले वेरीफाइड थे, अब यहाँ पर कुछ एरर के साथ अपडेट हुए हैं। देखिए इस चीज़ का क्या है सोल्यूशन, बिकॉज़ यहाँ पर जो आपकी करेक्शन की डेट है वो भी लास्ट एंड हो चुकी है। अब क्या करना है, अगर कोई एरर आता है तो कैसे आप करेक्ट करेंगे, सारी वीडियो को, सारे ही प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को देखें एंड तक। उसके पहले जितने भी लोग नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, घंटी बजा के और पे सभी क्लिक कर लेना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम पर। तो आज हमारा लाइव सेशन भी होने वाला है, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं एक स्टेटस चेक। जो स्टूडेंट ने अपना यहाँ पर स्टेटस सेंड किया है, नेम उत्कर्ष, यहाँ पर पहले उन्होंने अपना जो देखा है स्कॉलरशिप, आप देख सकते हैं कि 12 तारीख जो है उन्होंने अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक किया था। तो क्या दिखा रहा था, जो यहाँ पर स्टेटस था उनका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा वेरीफाइड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर UID इनवैलिड का प्रॉब्लम था, पेंडिंग दिखा रहा था, यहाँ पर भी पेंडिंग दिखा रहा था, बट ओवरऑल यहाँ पर ये क्या था, वेरीफाइड था। नेक्स्ट, अब उन्होंने जब स्टेटस दोबारा से अभी खोला है On 23rd, तब देखते हैं यहाँ पर उनका स्टेटस क्या शो हो रहा है। जब पहले पूरा वेरीफाइड यहाँ पर दिखा रहा था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाला एरर यहाँ पर शो हो रहा है, UID इनवैलिड का तो है ही, प्लस यहाँ पर सारे ही एरर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेंडिंग दिखा रहे हैं, वेरीफाइड दिखा रहे हैं, बट ये सारे एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ आ रहा है तो उसके लिए आपको सिंपली क्या चीज़ें करनी है, बिकॉज अब अगर आपके में यूपी बोर्ड या फिर कोई भी रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, किसी का भी प्रॉब्लम होगा तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो गई है। अब करना क्या, आपको सिंपली एक बार क्रॉस चेक कर लेना है ये सारी ही डिटेल्स जो यहाँ पर मेंशन है, चाहे वो हाई स्कूल से रिलेटेड हो या फिर अटेंडेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, जो भी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पर, आपको क्या करना है, सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी है। पहले तो क्रॉस चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं तो कुछ नहीं करना है, डोंट गेट वरीड। अगर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है तो भी आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और कॉलेज में जाके सीधे सबमिट कर आइए, और आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दें। और अगर कॉलेज वाले भी कोई रिस्पांस नहीं लेते हैं, देन नो नीड टू वरी। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका पहले वेरीफाइड था और अभी कोई एरर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगा, बस आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्कॉलरशिप फॉर्म में, दैट्स इट। जैसे ही यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपकी भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो कोई भी एरर आता है, सिंपली एक एप्लीकेशन लिखिए और अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, ठीक है, और अपनी तरफ से सारी चीज़ों को यहाँ पर सही रखिए। तो दिस वाज द सॉल्यूशन, अगर आपके भी किसी भी फॉर्म में एरर आ रहा है और आपने दोबारा से रीचेक किया है, देन आप डेफिनेटली उसको सेंड करिए टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे दिया हुआ है, सो आप यहाँ पर कर सकते हैं ज्वाइन। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पहले के स्टेटस में, अभी के स्टेटस में, तो आप हमको यहाँ पर सेंड कर पाएंगे, ठीक है, लिंक नीचे है, जाकर आप कर सकते हैं ज्वाइन। सो दिस वाज द वीडियो, इसको अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। BLED की सारी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें। कोई भी समस्या है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।